फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई चैनल दीपिका शॉपिंग लवर। वेलकम टू माई वीडियो। ओ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है एक मेकअप वीडियो। जी हाँ गाइज, मैंने जो ये मेकअप लुक क्रिएट किया है यही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले अपने फेस की क्लीनिंग हम करेंगे, जिसके लिए कॉटन पैड की मदद से आप क्लीजिंग वाटर ले सकते हो, क्लीजिंग मिल्क ले सकते हो। उससे क्लीजिंग करेंगे अपने नेक एरिया को और अपने फेस को। यू कैन सी दैट कितनी गंदगी निकली है, फेस वॉश करने के बाद भी गंदगी निकली हुई है गाइस, तो आप देख सकते हो। अपने आईज़ को अच्छे से क्लीन करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद मैं अपने फेस पे टॉनिंग करूँगी। टॉनिंग के लिए मैं डाबर का गुलाब जल ले रही हूँ, डाबर गुलाबरी का गुलाब जल ले रही हूँ। पूरे फेस पे इसको इस तरह से टैप टैप करके अप्लाई करेंगे। टॉनिंग करना ज़रूरी होता है मेकअप करने से पहले फ्रेंड्स, और 5 मिनट्स फिर मैं वेट करूँगी। उसके बाद मैं मॉइस्चराइजिंग करूँगी अपने फेस की, जिसके लिए मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको लेना है, पूरे फेस पे और नेक एरिया में आपको अप्लाई करना है अच्छे से। जिस तरह से आप क्रीम यूज़ करते हो उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। मॉइस्चराइजिंग से क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी। मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, और जो मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे आपकी स्किन को। तो इसलिए आप चाहो तो कोई अच्छी ब्रांड का भी ले सकते हो मॉइस्चराइज़र। अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी अपने फेस पर, जो कि मैं नेलियो का ले रही हूँ फ्रेंड। इसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी और पूरे फेस पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी, ताकि मेरी जो पोर हुए हैं तो वो कवर हो जाएं, बंद हो जाएं पोर। अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद अब मैं फाउंडेशन लूँगी। फाउंडेशन मैं लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि मेरा शेड है 01। इसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई किया है, फेस पर अलग से दिखता है ज़्यादा फाउंडेशन अगर आप यूज़ करोगे। और फिर ये मेकअप तो बिगनर्स के लिए है, तो उनको वैसे भी थोड़ा हर जो भी कुछ आप यूज़ करो तो लाइट ही यूज़ कीजिए, ताकि ज़्यादा शो ऑफ ना हो। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं पूरे फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आपको ये फाउंडेशन लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको घिसना नहीं है, आप ब्लेंडर को पूरे फेस पे घिसना नहीं है, बस टैप टैप करके पूरे फेस पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अंडर आई के नीचे, चिन पे, फॉरहेड पे अच्छे से आप देख सकते हो, अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है। नेक पे भी हम अप्लाई करेंगे, वरना नेक एरिया अगर छोड़ देते हैं तो बहुत ही बैड लुक आता है, फेस पे ऐसा लगता है कुछ लगाया हुआ है। नेक एरिया आपका अलग कलर देता है और फेस का लुक अलग आता है, तो वो चीप लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमको नेक पे भी मेकअप अप्लाई करना है। इसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ, जो कि ADS का मेरा शेड है 1। इसको मैं अंडर आई के नीचे यूज़ करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए मेकअप है। आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, अगर आपको मेकअप नहीं आता है और आप बहुत ज़्यादा लगा लोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या लगा के रखा हुआ है। और वैसे भी मैं इसलिए और भी प्रोडक्ट कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डार्क सर्कल नहीं है तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जिनके डार्क सर्कल है तो उनको तो कवर करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बट मेरे डार्क सर्कल नहीं है। पूरे फेस पे अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लेंगे। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे तो उतने ही अच्छा आपका लुक आएगा मेकअप का। इसके बाद मैं मेबलिन का फेस पाउडर ले रही हूँ, और एक ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे इस फेस पाउडर को अप्लाई करूँगी। यू कैन सी दैट अच्छे से पूरे फेस पे फेस पाउडर अप्लाई करूँगी। अपने नेक एरिया पे भी मैं फेस पाउडर को अप्लाई करूँगी। अच्छे से पूरे फेस को कवर करूँगी
बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है आपको। मेकअप करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपने मेकअप किया हुआ है। अब मैं आई शेडो पैलेट से गोल्डन आई शेडो ले रही हूँ, अपने आई पे अप्लाई करूँगी इसको, अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी, अच्छे से पूरे आई पे अप्लाई कर लूँगी इसको मैं। आई शेडो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि बिगनर्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेकअप करने का आइडिया नहीं रहता है, तो इसलिए मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें बहुत लाइट लाइट प्रोडक्ट लें, स्पेशली आई शेडोज़ वगैरह तो बहुत ही लाइट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। अब मैं अपर क्रीज पे भी इसको यूज़ करूँगी। अब मैं पिंक शेड लूँगी जो कि मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी। यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल लाइट लाइट ही यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी दैट। अब मैं अपने फेस पे लाइनर यूज़ करूँगी, अपनी आई पे लाइनर लगाऊँगी। फ्रेंड्स, लाइनर लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका लाइनर उतना ही अच्छा लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत अच्छा लाइनर नहीं लगा पाओगे, तो इसीलिए जब भी आपके पास टाइम है घर में तो आप उसको यूज़ करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आप देख सकते हो मैं किस तरह से लाइनर यूज़ कर रही हूँ, मैं मोटा लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मोटा लाइनर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा थिक लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पतला लाइनर पसंद नहीं है, तो मैं अपनी आई को बहुत अच्छा वाला लुक दे रही हूँ तो इसलिए मैं मोटा लाइनर लगाऊंगी ताकि मेरी आईज हाईलाइट हो। यू कैन सी दैट। अब मैंने दोनों आईज पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं एलिटीन का बोल्ड ब्लैक काजल ले रही हूँ, इसको मैं लोअर आईलैश पे यूज़ करूँगी। बहुत क्रीमी टेक्चर है इस काजल का, बहुत अच्छा काजल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं अपने आई लैसेज पर मस्कारा लगाऊँगी। मस्कारा लगाना मस्ट है फ्रेंड, क्योंकि मस्कारा लगाने से आपकी जो आई लैशेज होती हैं बहुत अच्छे से हाईलाइट होती हैं। अब मैं लोअर आई लैश पे लाइनर लगा रही हूँ। मैं दूसरी आई में भी अप्लाई करूँगी, उसी डायरेक्शन में फॉलो करूँगी। मुझे लाइनर बहुत पसंद है, तो अगर आप नीचे अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छा लुक देना है तो आप नीचे भी यूज़ करें लाइनर को। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी अपनी आई लैशेज़ पर, इससे आपकी आई लैशेज़ बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी, बहुत अच्छा सा लुक मिलेगा आपकी आंखों को। अब मैं लोअर आई लैशेज पे भी मस्कारा अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को एक आईब्रो पेंसिल की हेल्प से फिल करूँगी। आपको आईब्रो पेंसिल बहुत लाइटली यूज़ करना चाहिए, आप ज़्यादा अगर उसको डार्क कर लोगे तो आपकी आईब्रो अच्छा लुक नहीं देंगी, आपको एक हंसी का पात्र भी बना सकती हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को देखा था, उसने काफ़ी सारा अपना आईब्रो ब्लैक कर लिया था, तो वो बहुत ही गंदी लग रही थी, सब देख के हंस रहे थे उसको, तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप हंसी से बचना चाहते हो तो प्लीज़ उसको भी बहुत लाइट ही यूज़ करें, जितना आपको नीड हो उतना ही यूज़ करें, बहुत ज़्यादा डार्क ना कर लें। यू कैन सी दैट, इस तरह से अपनी आईब्रो को फिल कर लें। मेरी आईब्रो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ मैं फिल करूँगी उसको अच्छे से, एक अच्छा सा लुक आए। यू कैन सी दैट। अब मैं अपने चीक बोन पे हाइलाइटर लगाऊंगी।
इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से दोनों चीक पे ब्लशर लगाऊंगी मैं फ्रेंड। ब्लशर से आपके जो चीक बोन होते हैं वो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है फेस का। आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। अब मैं इसी अपने आई शेडो पैलेट से ही, ये ट्रिक है आपके पास अगर हाईलाइटर नहीं है तो आप अपने आई शेडो के कुछ कलर ऐसे होते हैं गोल्डन और ब्राउन, तो उसको आप हाईलाइटर की जगह पर यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी दैट मैंने आई शेडो को ही हाईलाइटर की जगह पे यूज़ किया हुआ है। अच्छे से अपने फॉरहेड पे, नेक एरिया पे, नोज पे, लिप पे अप्लाई कर लूँगी इसको अच्छे से। अब मैं अपनी लिप्स पे लिप कलर अप्लाई करूँगी क्योंकि डार्क रोजी रेड कलर है मेरा, बहुत ही प्यारा लिप कलर है ये, ब्लू हेवन का लिपस्टिक है ये गाइस। कैन सी दैट अब मैं मार्स के मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी, इससे मेकअप मेरा सेट हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे। यू कैन सी दैट बताना मत भूलिएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, जो मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की, ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।